प्रोफेसर सैयद रजा मोहम्मद सदर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन सिंध चैप्टर ने एन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तुलबा और तालबात के साथ जो हुआ वो काबिल अफसोस और लायक मजम्मत है, लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल ना तलाश किया जा सके। मामले का मुस्तकबिल और असल हल ये है कि उन तुलबा और तालबात के लिए पाकिस्तान में ही तालीम के मौके फराहम किए जाएँ। अगर ईमानदारी से तजिया किया जाए तो पाकिस्तान में ही बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिनमें मसनू तरीके से ज़बरदस्ती एडमिशन्स को महदूद करके तुलबा और तालबात को बाहर जाकर सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस में तालीम हासिल करने पर मजबूर किया जाता है और मुल्क का कीमती ज़र मुबादला भी ज़ाया होता है। अगर मुल्क के साथ सारे मेडिकल कॉलेजेस की सीटें कम अज़ कम 150 और डेंटल कॉलेजेस की 75 कर दी जाएँ तो बाहर जाने वाले 5,000 तुलबा और तालबात को पाकिस्तान में ही तालीम फराहम करके अरबों डॉलर की ज़र मुबादला बचाया जा सकता है। नाकी सीवरेज सिस्टम के बायस संबड़ियाल का मशहूर और बड़ा जैनुल आबिदीन कब्रिस्तान को जाने वाला रोड गंदे और गलीज पानी की जद में, गटर बंद होने से शहरों का गुजरना इंतहाई दुश्वार। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अहमद रजा से। जी अवैस बताइएगा। जी हाँ, सब्जी मंडी संबड़ियाल वाला गला गंदे और गलीज त्री पानी की लपेट में आ गया है। कब्रिस्तान जैनुल आबिदीन रोड पर से गुजरना इंतहाई मुश्किल। नाकाम सीवरेज सिस्टम ने इलाके को मुश्किल में डाल दिया है। नमाजी हजरात बिलखसूस कब्रिस्तान जनाजा ले जाना बहुत मुश्किल हो गया है। गंदे गलीज त्री पानी की वजह से इलाका भर तफन की लपेट में आ गया और बीमारियों की अमाजिका बन गया। साफ सुथरा पंजाब के दावे कहाँ गए? दलका यूनियन काउंसिल का अमला गायब। अहल इलाका ने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर समरियाल से रोड से पानी तलफ करने का मुतालबा किया है। अवैसम रजा, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, एम न्यूज़, सियालकोट। ढडियाल चेक वैली रोड मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी के बाईस ट्रॉली से टकरा गया। आलिम खान नामी शख्स जाम बहा। चकवाल रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की कॉल मौसूल होते ही फौरी तौर पर करीबी की पॉइंट से एम्बुलेंस को मूव करवाया गया। बरवक्त रिस्पांस करते हुए मरीज की नौयत को जांचा गया, लेकिन मरीज में ज़िंदगी की अलामत मौजूद नहीं थी। मुतासरा शख्स डडियाल से सुराल की तरफ जाते हुए ट्रॉली से टकरा गया। हेलमेट ना होने की वजह से सर पर गहरी चोटें आई और मौके पर ही दम तोड़ गया। जामबाहक शख्स की शिनाख्त आलिम खान बल पेंडा खान उम्र 80 साल के नाम से हुई, ताहम हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1122 चकवाल एम्बुलेंस सर्विस ने लवाहकीन के कहने पर लाश को RHC ढडियाल मुंतकिल कर दिया। चकवाल जहलम रोड अलकादी टेक्सटाइल मिल के गोदाम में आग लग गई। चकवाल रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम में अलकादी टेक्सटाइल मिल से फायर इमरजेंसी की कॉल मौसूल हुई, जिस पर करीबी की पॉइंट से एम्बुलेंस और सेंट्रल स्टेशन से दो फायर व्हीकल के साथ रेस्क्यू व्हीकल को मूव करवाया गया। अलकादी टेक्सटाइल मिल के गोदाम में काटन को काफ़ी हद तक आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। बरवक्त रिस्पांस करते हुए फायर ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान के निगरानी में शुरू किया गया। फायर ऑपरेशन में कूलिंग और स्टार विजन का अमल किया गया। नए छत और दीवारों से वेंटिलेशन का अमल किया और हीट और स्मोक को कम किया गया। आग को पानी की मदद से बुझाने के साथ स्टार विजन का अमल जारी रखा गया। फायर ऑपरेशन 3 घंटे तक जारी रहा और फायर को मुकम्मल कंट्रोल कर लिया गया। आग का आगाज़ छत पर सोलर प्लेट्स के स्ट्रक्चर को वेल्डिंग करने के बायस हुआ। वेल्डिंग स्पार्क रोशनदान से काटन पर गिरे, जिसने गोदाम के एक हिस्से को मुतासिर किया, जबकि भारी मकदार में काटन बंडर्स को महफूज कर लिया गया। जुगी स्कूल प्रोजेक्ट के बच्चों का पुलिस तहफ़ मरकज़ मॉडल पुलिस स्टेशन थाना सिटी चकवाल और रेस्क्यू 1122 का दौरा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के वीएन के मुताबिक DPO चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वहद महमूद के अहकाम की रोशनी में पुलिस तहफ़ मरकज़ चकवाल ने इंचार्ज लेडी सब इंस्पेक्टर सुमैया बतूल के जेर एहतमाम कच्ची आबादी में रहने वाले 15 बच्चों को जेवर तलीम से आरास्ता करने के लिए जुगी प्रोजेक्ट स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। बच्चों को यूनिफार्म, स्कूल बैग और किताबें भी लेकर दी गईं। इस दमन में पीर के रोज़ जुगी स्कूल के प्रिंसिपल मैडम फरीदा की क्यादत में स्कूल के बच्चों ने पुलिस तहफ़ मरकज़ चकवाल और मॉडल पुलिस स्टेशन थाना सिटी चकवाल के मुतालकी दौरा किया। पुलिस तहफ़ मरकज़ चकवाल की लेडी सब इंस्पेक्टर सुमैया बतूल ने स्कूल प्रिंसिपल और बच्चों का शानदार इस्तकबाल किया। बच्चों को DPO चकवाल की जानिब से रिफ्रेशमेंट पेश की गई और उन्हें पुलिस के फलाह बहबूद के मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में आगाही दी गई। स्कूल प्रिंसिपल मैडम फरीदा यूनिस ने झुगी नशी बच्चों के हवाले से DPO चकवाल की जानिब से उठाए गए इकदाम पर गहरे इत्मीनान का इजहार किया और DPO
चकवाल की नुमाइंदगी करने पर लेडी सब इंस्पेक्टर सुमैया बतूल को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। बाद अजां जुगी स्कूल के बच्चों को रेस्क्यू 112 स्टेशन का भी दौरा करवाया गया, जहाँ रेस्क्यू अफसरान ने बच्चों को अहम मामलात फराहम किए।